हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुरम और मेरा नाम है वजह। तो यार, शिक्षा चल रही है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ ऐसे सबक हमें भी सीखने को मिल रहे हैं जो आज तक टू बी ऑनर हमें भी नहीं मिले। लेकिन अब आगे देखते हैं, अब आगे होता है क्या। स्टार्ट। परशुराम कैसे आए? शिव धनुष के दर्शन करने को परशुराम जी अपनी तपस्या छोड़कर आए। उस शिव धनुष के बारे में सब हाँ। जानने को मन करता है। सोचो क्या शिव धनुष जी की पावर। हमें बताइए इस शिव धनुष की विशेषता क्या है? हाँ हाँ, मुझे भी बताइए ना। क्या विशेषता है? मुझे भी सबको बताइए ना पिताजी। महाराज, बच्चों की इच्छा के। हाँ यार, हमें भी पता चल गया। एक असुर था, तारकासुर। उसके तीन पुत्र थे। वरदान के कारण उन्हें कोई नहीं मार सकता। ऐसा क्या किया था उन्होंने? उन्होंने अंतरिक्ष में तीन पुर बांधे थे, त्रिपुर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तीन पुर सदा ही उड़ते रहते थे। तो क्या हुआ, उड़ते हुए पुरों को मारा नहीं जा सकता था? मारा जा सकता था, लेकिन तब जब एक बाण से तीनों का भेदन कर, और वे तीनों पुर कभी भी एक साथ नहीं रहते। तो क्या वो अलग अलग उड़ते थे? हाँ, इसीलिए एक ही बाण से उन्हें ध्वस्त करना देवताओं के लिए मुश्किल हो गया था। फिर देवताओं ने क्या किया? सारे देवता मिलकर शिवजी की शरण में गए। अच्छा, लेकिन पिताजी, ये पवित्र धनुष आपके पास कैसे आया? तारकासुर के पुत्रों का विनाश करने के बाद शिवजी ने धनुष हमारे देवदास को दिया। तब से शिव धनुष हमारे कुल में है। धनुष देते समय शिवजी ने एक ही शर्त रखी कि हर वर्ष शिव धनुष की पूजा होनी चाहिए, नहीं तो ये धनुष शिवजी के पास वापस चला जाएगा। मतलब हर साल। इसलिए तो मैं प्रतिदिन इसकी पूजा करती हूँ। सीते, ये क्या हो गया? मेरे ख्याल से गिरी। सीते, सीते। आए भाई भगवान विष्णु जी। ये तुम अचानक नृत्य क्यों करने लगी थी? ऐसा लगा कोई मेरे लिए वीणा बजा रहा है और अपने आप मेरा रोम रोम नाचने लगा। कोई नहीं, तुम्हारे वो तुम्हारे लिए वीणा बजा रहे थे। गुरु माँ, माँ कह रही थी भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। कैसे? समय समय पर अवतार लेकर। बैठो। गुरु माँ, अब भगवान विष्णु कब अवतार लेंगे मेरे लिए? वो तो ले चुके हैं। अवतार तो ले लिया होगा। हाँ, उनकी जो ये आई है तो विष्णु से विवाह जो करना है। वो तो भेड़ कर रहे थे माता सीते जी। प्रभु अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म और अधर्मियों का विनाश करने के लिए। भगवान विष्णु जी का तो यही तो काम है। और संतों को अजय देने के लिए और दुर्जनों का वध करने के लिए। यदि प्रभु ने अवतार लिया होगा तो अधर्म और अधर्मियों का विनाश करने के लिए मैं प्रभु का साथ दूंगी। उधर सुंदर ललित ललाम, जय 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 सियाराम। इधर खुद ही बोलने को दिल करता है। राम, राम। हैं? ये क्यों ढूंढ रही हैं माता जी? चंद्रशेखर। आज्ञा गुरु माता। राम कहाँ है? राम, 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 राम।
अरे ऋषि जी यार, ऐसा लग रहा है जैसे सारा गुरुकुल राममय हो गया है। राम है यहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षी हर चीज सब राम को पुकार रहे हैं। मतलब राम जी पल भर दिखाई नहीं दिया तो मन विचलित हो गया। देवी माता, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि राम इस समय ध्यान लगाए बैठा होगा। और माता जी उसने जाना भी है यहाँ से, तो माता जी का देखो जहाँ जाते हैं वो उनको अपना बना लेते हैं। लेकिन अब देखो उनके अपने परिवार से ज्यादा तो यहाँ पर उनका टाइम होता जा रहा है। अब गुरु माता जी क्या कह रहे हैं विचले तो और उनको ना देख के मन। खूबसूरती इनके अलावा किसी में नहीं हो सकती। क्या चेहरा है क्या बॉडी है। देखने से कितने वो लग रहे हैं सख्त वो जो नहीं होते। हाँ हाय वाय आज फाइनली बड़े हो गए यार। इन पदन विद्या पूरी हुई कि नहीं हुई अभी यार। अभी कितने साल इनको विद्या लेनी। चलो राम सूर्य नमस्कार का समय हो गया है। सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार की 12 आसन होते हैं। जब 12 आसन पूरे होते हैं तो एक सूर्य नमस्कार पूर्ण होता है। ये कौन है। यदि हमें बीमारी से दूर रहना है तन मन को सुदृढ़ बनाना है तो ये सूर्य नमस्कार अति आवश्यक है। भरत ये कौन है। शत्रु अच्छा भरत लक्ष्मण अच्छा ये लक्ष्मण राम शुरू हो जाओ। ये रे चारो यार। हाँ यार और भाई साहब इतने बड़े हो गए राम जी टाइम का देख गए पता नहीं लगा। देख तभी वो कह रहे थे कि भाई मन उदास है कि वो नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ देख माता जी का भी मन विचले तो यार। अब तुझे मैं बता दो खुरम देख जितना टाइम अब जितने ये बड़े हो चुके हैं जितना टाइम इन्होंने अपने घर में नहीं गुजारा उतना तो टाइम इन्होंने गुरुकुल में गुजार दिया। तो माँ और तुझे पता है राम जी कैसे जिधर जाते हैं उधर ही अपना बना देते हैं और उधर से वे तुझे पता कि हाँ। भाई साहब इनके बगैर किसी का दिल भी तो नहीं लगता। देख जब महल के अंदर तीनों माए थी देखना वो भी कितना था और ऊपर से भाई भगवान शिव जी ने ये धनुष रखवाया था इनके पास सोच और माता सीता और इनकी आज भी हर साल पूजा होती होगी पूजा का दिन होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन देख माता सीते क्या कहती हैं कि भाई मैं भाई साथ दूंगी भगवान विष्णु जी का वो अवतार लेके फिर सोचती क्या पता वो आए होंगे कि नहीं क्यों नहीं आए होंगे वो तो आपसे पहले आ चुके उल्टा वो आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ ना लेकिन लेकिन यार थोड़ा मजा आ रही है मजा आ रहा है। अब तो भगवान राम जी बड़े भी हो चुके हैं ऐसा ही है। अब तो भाई साहब इनकी अब मजा आएगा। अब 12 लक्ष्मण सब शत्रुघ्न सब बड़े हो गए अब इनकी और लीलाएं देखने में मजा आएगा। तो बड़े हो गए अब शायद विद्या पूरी हुई है या नहीं ये तो आगे पता चलेगा क्योंकि अब तो बड़े हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है खुरम लेकिन अब आगे देखते हैं अब आगे होता है क्या। तो